नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिंह और अब अगले दो घंटे हम आपके लिए एक विशेष प्रोग्राम लेकर आए हैं, इंडिया न्यूज का मंच। और दो घंटे में हम केवल और केवल बात करेंगे रक्षा और राष्ट्र की। और हमारे साथ में हर सर्विस से और महत्वपूर्ण रक्षा मंत्रालय के वर्टिकल से, जैसे कि DRDO, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड से अहम और सीनियर ऑफिसर्स जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं DRDO की तरफ जाना चाहता हूं और DRDO से सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, DRDO चीफ डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए और साल के पहले दिन अपना अहम समय देने के लिए। में अच्छा काम किया। पहले मेरा साइंटिस्ट परिवार को कंग्रेचुलेशन। डॉक्टर रेड्डी से हम वापस ऑडियो रिकनेक्ट करेंगे। डॉक्टर रेड्डी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम जिस तरह से देख रहे हैं कि पिछला साल काफी क्रूशल रहा DRDO के लिए और विशेष तौर पर जब टेंशन बहुत ज्यादा हो रहे थे, DRDO ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया और ऐसे समय में जब डिफेंस प्रोवाइड करने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, DRDO ने एक अपना अहम योगदान दिया। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि पूरे देश ने और विश्व ने DRDO की क्या क्षमता है ये तो देखी थी, लेकिन देश जानना चाहेगा DRDO चीफ के पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके लिए साल 2020 कैसा रहा, सेटिस्फैक्ट्री था, आपको लगता है कुछ और करने की जरूरत थी, कुछ कैसे रहेगी, या फिर जितना एक्सपेक्टेशन था उससे बेहतर हुआ 2020 DRDO चीफ के पॉइंट ऑफ व्यू। DRDO 2020 में अच्छा काम किया। पहले मेरा साइंटिस्ट परिवार को कंग्रेचुलेट और धन्यवाद देना चाहता हूं। कोविड का पैंडेमिक का समय में भी हमेशा लेबोरेटरीज में जाके रात दिन भर काम किया। पहले कोविड का प्रोडक्ट्स, कोविड का फाइट करने के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए काम किया। उसके बाद और उसके समय में भी हमारा जो टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट करना है उनका में भी कंटिन्यूस रात दिन भर काम करके बहुत प्रोडक्ट्स लाया है। हमारा कोविड का प्रोडक्ट्स कम से कम 75 to 100 प्रोडक्ट्स लाया है, वो 100+ इंडस्ट्रीज को दिया है। पूरा दुनिया में ये प्रोडक्ट्स, देश देश में ये प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री के द्वारा में गया है। और उसके बाद पूरा जब लॉकआउट, जो लॉकडाउन था वो ओपन हो गया, ट्रैवल शुरू हो गया, उसके बाद हमारा लोग जहाँ जहाँ ट्रायल्स के लिए जहाँ जहाँ जाना है वहाँ जाके पूरा ट्रायल्स किया है, आप देखा है। इसलिए कोविड का समय में भी हमारा DRDO का ये अच्छा समय है, अच्छा काम किया जी, बहुत अच्छा किया साइंटिस्ट ने। 2020 काफी अच्छा रहा DRDO के लिए, DRDO चीफ के पॉइंट ऑफ व्यू आप सुने थे। सर, एक चीज जानना चाहेंगे कि सबसे बड़ा अचीवमेंट, क्योंकि इतने सारे टेस्ट किए गए, चाहे वो पिनाका हो, चाहे वो HSDV हो, और भी बहुत सारी चीजें DRDO ने की, इतना कि मैं अगर उस पर बात करना चालू करूं तो लगभग घंटा भर लग जाएगा, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू, DRDO चीफ के पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे क्रूशल अचीवमेंट क्या थी? 2020 में हमने बहुत टेक्नोलॉजीज डेवलप किया, बहुत सिस्टम्स डेवलप किया, टेस्ट किया है, लेकिन उससे सबसे अच्छा टेक्नोलॉजिकल रूप में आगे आने वाला दिनों में हमको एक जबरदस्त वेपन देगा ऐसा वाला है ये हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल, जो हमने सक्सेसफुली किया। उसमें स्क्रैमजेट इंजन वो 23 सेकेंड्स तक बहुत अच्छा काम किया। ये मैं मानता हूँ ये सबसे अच्छा विजय है देश के लिए और DRDO के लिए। ये सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज में से एक था DRDO चेयरमैन, लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि अचीवमेंट तभी होती है जब चैलेंजेस होते हैं, आपके लिए 2020 में चैलेंजेस क्या थे? हम पूरा विश्व कोविड से जूझ रहा था, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू इन सब चीजों को करने में, अचीव करने में क्या कुछ चैलेंजेस आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण थे? तो एक तो हमारा इंटरनल टेक्निकल चीज, टेक्निकल डिफिकल्टीज है, ऐसा एक है। दूसरा ये समय में 2020 में ये लॉकडाउन का समय, कोविड का समय, इंडस्ट्री के साथ कंटिन्यूसली डेवलपमेंट पीरियड में हम काम करना है, उधर पूरा लोग नहीं है, थोड़ा स्किल्ड वर्कर्स को कुछ प्रॉब्लम आया है हेल्थ के वजह से, घर में है और कोई गांव को चला गया, इसी समय पर भी ये मिनिमम मैन पावर के साथ मैक्सिमम आउटपुट आने के लिए
करना, इंडस्ट्रीज के साथ हमारे लैब लेबोरेटरी में काम करना, ये बहुत सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। लेकिन इसके वजह इसका समस्या में भी हमारा लोग ये मिनिमम मैन पावर में बहुत रिजल्ट्स, अच्छा सा रिजल्ट्स लाया है। ओके डॉक्टर रेड्डी, अगर आप हमें दर्शकों को थोड़ा समझा सकें कि कोविड जिससे पूरा विश्व प्रभावित था, डीआरडीओ के ऑपरेशंस में, फंक्शनिंग में कोविड ने किस तरह से इम्पैक्ट किया? ये एक ऐसा मैं बताना चाहता हूँ, पहले जो लॉकडाउन हुआ उस समय पूरा इंडस्ट्रीज बंद हो गया, जहाँ जहाँ हमारे डेवलपमेंट का प्रोडक्ट्स आगे बढ़ना है वो रुक गया है, जहाँ जहाँ थोड़ा सा प्रोडक्शन आइटम्स भी है, मतलब लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन बोलता है, क्योंकि हमारा ट्रायल्स के लिए थोड़ा 10 मिसाइल चाहिए, 10 रेडार चाहिए, ऐसा वाला वो भी काम 3-4 महीना रुक गया है। साइंटिस्ट काम किया उस समय में कोविड का प्रोडक्ट्स के लिए काम किया है, और कोविड के लिए जो चाहिए वो इंडस्ट्रीज खुला था, लेकिन हमारा रेगुलर प्रोडक्शन, रेगुलर डेवलपमेंट का और लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन का जो है वो बंद हो गया। और दूसरा, कहीं है छोटी आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक चिप्स सही बाहर से आना है, वो बाहर से आके हमारा सिस्टम्स में होना है, वो भी लाना मुश्किल हो गया। इसका वजह से थोड़ा सा कहीं कहीं सिस्टम्स का डेवलपमेंट 3-4 महीना कम से कम डिले हो गया। ओके डॉक्टर रेड्डी, जिस तरह से हमने देखा कि बॉर्डर टेंशन काफी ज्यादा हुई थी 2020 में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा कि ऐसे समय में आपने वो कुछ प्रोवाइड किया सर्विसेज को जो एक मेजर डेटरेंस के तौर पर, मैं कहूंगा सीरीज ऑफ डेटरेंस के तौर पर निखर कर सामने आया, उस पर आपका क्या कहना है कि क्या एम था, किस तरह से आपने उसे अचीव किया? वो जो डेटरेंस वाला पार्ट था वो डीआरडीओ ने सबसे ज्यादा प्रोवाइड किया। पहले यह है कोविड का समय पे साइंटिस्ट बहुत अच्छा काम किया, बहुत सिस्टम्स डेवलप किया, एक एक सिस्टम पूरा लैब जो देश में है। जब ये लॉकडाउन का समय खत्म हुआ और ट्रैवल और एयरक्राफ्ट शुरू हो गया, सब लोग जाके ये टेस्ट करना शुरू किया। उसी समय हम जब बोल रहे थे बॉर्डर में टेंशन है ये जो हो रहे, लेकिन ये नया नया सिस्टम्स, नया नया मॉडर्न वेपन्स टेस्ट किया, लेकिन हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल एक दुनिया में खाली 2-3 देश किया है, अमेरिका, रशिया, चीन ने किया है, ऐसा वाला हम भी सक्सेसफुल टेस्ट किया। दूसरा, मिसाइल के ऊपर टारपेडो लगा के वो कितना दूर में भी सबमरीन होगा उसके लिए एक स्मार्ट बोल के एक वेपन लगाया, उधर जाके शौर्य टेस्ट किया है, और न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल, ऐसा वाला नया नया चीज़ है। ये सर्विसेज को और देश में जो हमारा पूरा देश जिनको ये बहुत कॉन्फिडेंस मिला, हमारे पास भी एक एडवांस्ड वेपन्स है, एडवांस्ड वेपन्स भी हम टेस्ट कर रहे हैं, अच्छा हुआ ये, अच्छा समय में ये इतना टेस्ट हुआ, देश में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है। जी डॉक्टर रेड्डी, ये तो 2020 की बात रही और काफी कुछ अचीव किया डीआरडीओ ने उस दौरान, लेकिन आप 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू अगर सोचे तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्या होंगे, सबसे इम्पोर्टेंट क्रूशियल चैलेंजेस जो साल आज शुरू हो गया है उसमें क्या होगा? 2021 में हमने बहुत तेजी से बहुत सिस्टम्स के ऊपर और बहुत टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करना है। एक तो इम्पॉर्टेंट ड्रोन्स का, ड्रोन बेस्ड सर्वेलेंस का, और उसका टेक्नोलॉजीज में हम एकदम सीरियस काम करना है, ये कहा है, बहुत प्रोडक्ट्स आना है उस दिशा में। दूसरा है, हमने जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCM मार्क टू और एमका में काम कर रहे हैं वो काम बहुत आगे बढ़ना है, ये एक दूसरा। और हमारा हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल हेलिना, उसका तो फाइनल ट्रायल्स होके वो भी इंडक्ट होना है। और ATACMS हमारा वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेंज गन जो है उसका पूरा यूजर ट्रायल्स होके वो भी इंडक्शन प्रोसेस में आगे बढ़ना है। ऐसा एक 4-5 मैं आपको बताया था। okay. और बहुत है ये, बहुत क्षिपणी डेवलप करना है, मिसाइल्स डेवलप करना है, बहुत रेडार्स है, हमारा गवर्नमेंट ने हम बहुत टारगेट्स दिया है। ये 2021 में टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज में देश बहुत मैच्योरिटी लाना है इसमें। okay. हम ये आत्मनिर्भर का यात्रा में एक मेजर स्टेप 2021 में हम लेना है।
और सिस्टम्स डेवलप करके और इंडिजिनस सिस्टम्स बहुत जाना आगे सर्विसेज में इंडक्शन होना है और सेम टाइम डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर के रूप में बहुत प्राइवेट इंडस्ट्रीज को इनमें शामिल होके उनका द्वारा प्रोडक्शन करना है। और मैं ये मानता हूँ अगले आने वाला 5-6 साल में जो अभी जो इंडिजिनस कंटेंट है वो बहुत आगे जाना है, मतलब 75-80% तक इंडिजिनस कंटेंट जाना जी। है वो दिशा में जी। आने वाला 2021 एक मेजर इम्पॉर्टेंट ईयर है हमारा। ओके, आने वाला इम्पॉर्टेंट मेन एम्स आपने बताया सर, लेकिन हमने देखा था कि अभी तक जब से आप चेयरमैन की पोजीशन पर आए हैं डॉक्टर रेड्डी, उससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि एक इमेज थोड़ी सी अलग सी थी डीआरडीओ की, थोड़ा एक सरकारी वर्टिकल और सरकारी इंस्टीट्यूशन वाली इमेज थी कि अगर कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया तो उसको काफी ज्यादा स्लो होता था, डिले होता था, काफी कुछ काम किया जाता था, लेकिन एक इमेज बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी एटलीस्ट डिफेंस सर्कल्स में, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री हो या फिर सर्विसेज हो। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि वो इमेज बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, वो टेबल टर्न हो गया है कि अब डीआरडीओ काफी सारे प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी प्रोवाइड कर देता है और कुछ वर्टिकल्स और कुछ सेक्टर्स में तो मैंने देखा है कि आपने जल्दी प्रोवाइड कर दिया फाइन ट्यून प्रोडक्ट और सर्विसेज को उसे इंडक्ट करने में भी थोड़ा समय लग रहा है। ये इमेज मेकओवर, इमेज चेंज के बारे में डीआरडीओ के पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, हमको तो मैं तो बजट का कंस्ट्रेंट तो ज्यादा नहीं है कुछ, लेकिन ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज में जो काम करना है, जोड़ के काम करना है, इंडस्ट्री अकेडमिया ये सब उसमें अगले आने वाला दिन में ये कोविड का पैंडमिक सिचुएशन कैसा रहेगा, ये इतना जोर से हम काम कर सकते हैं क्या, जो स्पीड में हम काम करने के लिए ये सोच रहे हैं, और ये टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज में फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में जो काम कर रहे हैं उसमें वो ब्रेक थ्रू मिलेगा ये अगले आने वाला 2021 में, ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। लेकिन हमको इतना बजट का ये सिचुएशन कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चेयरमैन साहब, ये क्योंकि इस चीज को मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि बजट कंसेंस नहीं रहते हैं और अभी तो आप काफी कुछ इम्पोर्टेंट अचीव कर लोगे, और ये एक बजट कंसेंट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्योंकि 2021 में बजट, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री हो, कोई भी सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर इंटरनेशनल बॉडीज हो, सबको बजट कंसेंट हो रहा है। लेकिन डीआरडीओ के पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लग रहा है काफी कुछ सॉर्टेड है बजट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन एक इमेज मेकर वाली चीज को लेकर अब आप प्रोडक्ट्स वो दे रहे हैं जो सर्विसेज को थोड़ा समय लग रहा है इंडक्ट करने में। एक तो डेवलपमेंट्स हुआ है, इसके पहले हमारा इकोसिस्टम इतना अच्छा नहीं था, इंडस्ट्री इकोसिस्टम और एकेडमिक इकोसिस्टम। अभी पिछले 5-10 साल में वो इकोसिस्टम बहुत अच्छा आगे आ गए, इंडस्ट्री ने अभी बिल्ड टू प्रिंट से बिल्ड टू स्पेसिफिकेशंस तक आ गए, बहुत एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। सो इसके पहले जो डीआरडीओ साइंटिस्ट हर एक छोटा चीज से बड़ा चीज तक वो खुद काम करना पड़ रहा था, अभी वो सिनारियो चेंज हो गया, इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट को आगे बढ़ रहा है और अकेडमिया भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहा है। सो डीआरडीओ ने कंसंट्रेशन फोकस हमारा एडवांस्ड प्रोडक्ट के ऊपर लगने के लिए अभी समय मिल गया है, ये एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है। दूसरा, डीआरडीओ में विद इन द डीआरडीओ ऑल्सो हमारा जो प्रोसीजर्स है ये सब थोड़ा सिंप्लीफाई करके इंडस्ट्री के साथ कैसा करना है, हमारा इंटरनल प्रोसेस कैसा तेज से आगे बढ़ना है, ये पूरा हमने प्रोसेस थोड़ा बदल दिया। ये दोनों के मुद्दा जो है ये इसके मदद से हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट थोड़ा आगे जल्दी आना। ओके, तो एक इकोसिस्टम कम्प्लीटली चेंज हुआ है और ये एक अच्छी न्यूज़ है देश के लिए और स्पेसिफिकली डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। डॉक्टर रेड्डी, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन और उसमें काफ़ी ज़्यादा मेन फोकस और क्यूरियोसिटी लोगों की अब इसी सब्जेक्ट में है, वैक्सीन पॉइंट ऑफ व्यू डीआरडीओ ने कुछ काम किया है उसमें, उसके बारे में अगर हमारे दर्शकों को बता सकें। डीआरडीओ वैक्सीन के ऊपर डायरेक्टली सीधा उनके फ्रंट एंड में रिसर्च में नहीं है, उनका बैक एंड में वैक्सीन डेवलपमेंट में जो चाहिए उनको वो मदद दे रहा है।
लेकिन डीआरडीओ में एक थेरेप्यूटिक ड्रग के ऊपर बहुत काम किया है। हमारा एक लेबोरेटरी है इधर दिल्ली में, इनमास बोल के, न्यूक्लियर मेडिसिन के ऊपर काम करता है। उनमें एक ड्रग डेवलप किया है 2DG बोल के, उनका तो हमने टेस्ट किया था CCMB हैदराबाद में, उनका रिजल्ट ये कोविड वायरस के ऊपर बहुत अच्छा था। और उनको हम इधर ड्रग कंट्रोल इसका परमिशन लेके बहुत पेशेंट्स के ऊपर टेस्ट कर रहा है। फेज 1 का हो गया, फेज 2 भी हो गया, अभी फेज 3 का ट्रायल चल रहा है, रिजल्ट्स बहुत अच्छा आ रहा है। तीन दिन में, 4 दिन में पेशेंट्स पूरा एकदम पूरा पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। ऐसा वाला अभी आने वाला 1-1.5 महीना में इनका पूरा टेस्टिंग होगा, उसके बाद ये ड्रग हमारे इंडस्ट्री पार्टनर के द्वारा पूरा देश को मिलेगा। बहुत कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर, अच्छा अच्छा ड्रग है, वो काम करेगा। आपने कहा किस स्टेज पे डॉक्टर रेड्डी, हमने जिस तरह से देखा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हॉस्पिटल आपने बनाया वो डीआरडीओ ने बहुत जल्दी बनाया, और रक्षा मंत्रालय हो या फिर गृह मंत्रालय हो वो तुरंत डीआरडीओ की तरफ देखता है अगर एक्सपैंड करना हो या फिर कैपेसिटी इंक्रीज करनी हो। स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल ना केवल दिल्ली में बल्कि कुछ और स्टेट कैपिटल्स में भी डीआरडीओ ने बहुत जल्दी बहुत बड़े बेड्स वाले हॉस्पिटल्स बना दिए। उसके पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके कि वो कैसे किया गया, क्योंकि ये मुझे लगता है कि डीआरडीओ का जो मेन टास्क है उसके अलावा जब देश को जरूरत पड़ी हॉस्पिटल्स की, जब समाज को जरूरत पड़ी हॉस्पिटल्स की, तो डीआरडीओ उसमें भी आगे था। पहले हमारा डिपार्टमेंट इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो उनका टेक्नोलॉजीज जो है, उनका एक्सपर्टाइज जो है, उनका जो स्पिन ऑफ लेके इनके ऊपर काम करेंगे बोल के हमारा साइंटिस्ट बहुत आगे आ गए। जब इधर दिल्ली में केसेस बहुत बढ़ गए, एक हॉस्पिटल को कोविड के लिए स्पेशल हॉस्पिटल ICU के द्वारा ICU ऐसा फैसिलिटीज रहना है बोल के गवर्नमेंट जब सोच रहे थे, हम बनाएंगे बोल के बताया था। और रक्षा मंत्री और होम मिनिस्टर जो दोनों गृह मंत्री पूछने तो कितना दिन में बना सकते, तो हम 10 दिन में बनाएंगे बोल के बताया था, लेकिन हमारा लोग 11 दिन में वो बना के 1000-bedded हॉस्पिटल दिल्ली में दिखाया था। इसमें ये अभी 500-bedded ICU हॉस्पिटल हो गया, पूरा फैसिलिटीज फ्री है, जो जो आता है उनका देखना हॉस्पिटल डॉक्टर में DGMFS AFMS पीपल हॉस्पिटल स्टाफ डॉक्टर्स और नर्सेस बहुत अच्छा था, प्यार से देख के उनको, इतना आदमी को खाना वाना पूरा एकदम फ्री है, ऐसा बहुत अच्छा चल रहा है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का पूरा इंटीरियर्स भी बहुत अच्छा है, मॉडर्न इक्विपमेंट है। हम जो बनाया है वेंटिलेटर, वो 500 वेंटिलेटर्स बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा जो बनाया था वो वेंटिलेटर्स लगाया है, वो ICU वेंटिलेटर हाई एंड वेंटिलेटर है। सो कोविड के लिए ये एकदम स्पेशल हॉस्पिटल है, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर है ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, जो एयर सर्कुलेशन नहीं है, रिसर्कुलेशन नहीं है, वो हवा आता है और बाहर चले जाता है, ये देश में कहीं भी नहीं है। ऐसा वाला हॉस्पिटल 11 दिन में बनाया, उसके बाद पटना में भी एक 500 हॉस्पिटल बनाया था, और मुजफ्फरपुर में भी और एक 500-bedded हॉस्पिटल बनाया। ऐसा इतना अच्छा किया हमारा लोग ने, और देश के लिए, कोविड हॉस्पिटल के लिए जो गृह मंत्री और रक्षा मंत्री हमने आदेश दिया, बना के दिया है। मैं मेरा साइंटिस्ट को बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, ऐसा सेवा किया देश के जब अवसर था जी, बहुत अच्छा किया साइंटिस्ट ने, फैंटास्टिक जॉब देयर डॉक्टर रेड्डी। और जिस तरह से हमने देखा कि अपने जो चार्टर है, जो टारगेट है, उसके अलावा भी जब जरूरत पड़ी तो डीआरडीओ ने उसमें भी काफी कुछ काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, चेयरमैन डीआरडीओ। आप सब सुन रहे थे कि किस तरह से 2020 डीआरडीओ के लिए था और 2021 में उनके लिए विजन और चैलेंजेस क्या है। डॉक्टर रेड्डी, थैंक यू सो मच। 2021 के लिए सब लोगों को मेरा शुभकामनाएं है, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, टू यू आशीष एंड टू द एंटायर पीपल हु आर वाचिंग दिस प्रोग्राम। नमस्कार, धन्यवाद जी। तो सर, तो आपने सुना डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, काफी इवेंटफुल रहा है डीआरडीओ के लिए भी, और काफी कुछ टास्क उन्होंने अचीव किए हैं पिछले साल, और अगले आने वाले एक साल की जो कि शुरुआत हो गई है उसके पॉइंट ऑफ व्यू भी डीआरडीओ ने अपनी कमर कस ली है। लेकिन अब डीआरडीओ के बाद चलते